पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड में 167 लोगों की सूची जारी की है, जिनके खिलाफ बिना विवेचना के एफआईआर दर्ज की गई है। बघेल ने कहा कि एफआईआर की कॉपी उन्हें किसी माध्यम से मिली है, सरकार एफआईआर कॉपी सार्वजनिक करे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बघेल ने कहा कि 137 लोग साहू समाज के हैं, जिनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हैं। सरकार बताए इनके खिलाफ एफआईआर हुई या नहीं। वहीं आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की धाराओं में अपराध दर्ज है। क्या सरकार 167 लोगों को फांसी दिलाना चाहती है? बघेल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत धाराएं लगाई गई 103A हत्या का, 102 मॉब लिंचिंग से हत्या, 238A, 191B दंगा कराना जैसे आधा दर्जन से अधिक धाराएं लगाई गई। 69 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 लोग मृतक कचरू साहू का पोस्टमार्टम कराने मध्य प्रदेश गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लगता है कि बिना विवेचना ही इतनी सारी धाराएं लगाई गईं। जो लोग नहीं थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। भाई एफआईआर के कभी थाने में होता भाई? अरे भाई इसमें ये जो एफआईआर की कॉपी है उसमें धाराएं हैं, ये मैं इसी को कह रहा हूँ, मेरे पास एक कॉपी मिली मुझे।